बहुत महत्वपूर्ण स्कीम होती है, जिसके माध्यम से इलाके के लोग अपने छोटे बड़े विकास कार्य अपने विधायक के माध्यम से करवा सकते हैं। विधायक फंड जनता की आवाज़ है अपने काम करवाने के लिए। आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और दिल्ली में विधायक फंड को 10 करोड़ प्रति वर्ष से बढ़ाकर 15 करोड़ प्रति वर्ष कर दिया है। पूरे देश में किसी भी राज्य में इतना विधायक फंड किसी भी सरकार ने आज तक नहीं दिया है। अगर हम आंकड़े देखने जाएं तो गुजरात 1.5 करोड़ प्रति साल विधायक फंड देता है हर एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका 2 करोड़ हर साल देते हैं। ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश 3 करोड़ और कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, केरला, झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान 5 करोड़ प्रतिवर्ष विधायक फंड के तौर पे देते हैं। अब दिल्ली 15 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष विधायक फंड के माध्यम से देगा। ना सिर्फ ये पूरे देश में सबसे ज़्यादा है बल्कि एग्जिस्टिंग स्टेट से 3 गुना ज़्यादा है। पिछले 10 साल से दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों के लिए काम करती आई है, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले दिल्ली वाले हों, चाहे अनऑथराइज कॉलोनीज में रहने वाले दिल्ली वाले हों, चाहे बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले दिल्ली वाले हों। उसी तरह से आने वाले समय में भी लगातार दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के लिए काम करती रहे। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों की जानकारी में है कि इस साल दिल्ली के अंदर बहुत बारिश हुई और बारिश के कारण रोड्स के अंदर भी काफ़ी देखने में आ रही है, पार्कों के अंदर भी, चाहे वॉकवेज हों चाहे उसकी दीवारें हों, उसमें टूट फूट देखने में आ रही है। और बढ़ी हुई बारिश के चलते सीवर की समस्या भी बहुत जगह देखने में आ रही है। सीवर सेटल हो गए हैं या सिल्टेड हो गए हैं, नई सीवर लाइन डालनी है, तो इस वजह से दोनों ही तरह की पार्टियों से, ऐसा नहीं कह रहा मैं आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी लगातार मुझसे एज यूडी मिनिस्टर मिल रहे थे, हमारी पार्टी के विधायक भी लगातार मिल रहे थे कि विधायक निधि को अगर बढ़ा दिया जाए तो लोगों को फौरी राहत मिल सकती है। और विधायक फंड के अंदर अच्छी बात यह है कि विधायक फंड को बनाया ही इसलिए गया था एमपी फंड और एमएलए फंड, ताकि अगर कोई विधायक अपने क्षेत्र में जाए और वहाँ पे कोई काम दिखे तो ऐसे काम जो तुरंत विधायक करवा सके उसके लिए एमएलए को एक फंड दिया गया था। और मुझे लगता है कि यहाँ पे इस फंड को बढ़ाने की एक सबसे बड़ी मंशा ये है कि बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स के सैंक्शंस के अंदर बहुत ज़्यादा समय लगता है, प्रोजेक्ट्स बनते हैं, उससे अच्छा ये होगा कि विधायक छोटे छोटी जो फौरी राहत जो है जनता को विधायक निधि के द्वारा दे। मैम, आप लोगों ने फंड में बढ़ोतरी की, अभी बीजेपी राज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनका आरोप है कि दिल्ली सरकार लगातार डेफिसिट में जा रही है, राजस्व घाटे की तरफ जा रही है। भारतीय जनता पार्टी 22 राज्यों में सरकार चलाती है। मैं उनको चैलेंज दे रही हूँ, वो एक राज्य का नाम बता दें जहाँ पे मुनाफे में वो अपनी सरकार चलाते हैं। दिल्ली सरकार के आंकड़े और हिसाब किताब हम सामने रख देंगे, भारतीय जनता पार्टी 22 में से किसी भी एक सरकार के आंकड़े सामने रख दे, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ भारतीय जनता पार्टी एक राज्य की भी सरकार नहीं दिखा सकती जो मुनाफे में चल रही है और जनता के काम कर रही है। मैम, ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार के पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि दिसंबर के बाद अपने कर्मचारियों और एलसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह दे, 7,500 करोड़। मैं तो आपको बता रही हूँ कि वो दिखा दें, भारतीय जनता पार्टी शासित एक भी राज्य दिखा दें जहां पर वो मुनाफे की सरकार चला रहे हो, जैसे दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी ने चलाई है। सर, हरियाणा के नतीजा है, राहुल गांधी ने आज अपनी पार्टी के नेताओं से कहा कि तुमने सेल्फ इंटरेस्ट ज्यादा देखा, पार्टी का इंटरेस्ट कम देखा, चाहे अलायंस की बात हो चाहे बाकी चीजों की बात हो, क्या कहें? देखिए, राहुल जी अगर अपनी पार्टी के विधायकों को कुछ कह रहे हैं उसमें हमारे कहने की क्या, ये तो उनका अपनी पार्टी का मामला है।
मैम एक एक वीडियो आया था सुबह, आप घर में बैठी हुई थी, सामान पैक किया हुआ रखा हुआ था और वहीं से आप काम कर रही थी। बीजेपी आरोप लगा रही है कि अगर वो घर अलॉट ही नहीं हुआ था सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड, उस घर में आप कैसे सामान लेके चली गई थी जो सामान पैक होकर वापस आया? मैम आप होते ज्यादा अच्छा होता। मैं आपको सुबह भी बताया, मैंने आपको दो उदाहरण ऐसे हैं जो पूरी तरीके से मीडिया की नजरों में हुए। मनीष सिसोदिया जी ने इस्तीफा दिया, सत्यमल जैन साहब ने इस्तीफा दिया, दोनों के घर मुझे और आतिशी जी को अलॉट हुए। आपने ये भी आपको जानकारी है, दोनों के परिवार कुछ दिनों तक उन्हीं घरों में रहे। मनीष जी का परिवार भी रहा, सत्यमल जैन साहब का परिवार रहा। आपने कभी देखा हो कि मनीष जी के घर पे पीडब्ल्यूडी ने ताला लगाया हो और मनोज जी के परिवार को और उनके सामान को सड़क पे उतारा हो कि भाई अब जो है ताला लगाने का टाइम है, अब हम इसके अंदर जो है वो जो क्या कर रहे हैं, वो सर्वे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी इन्वेंट्री इन्वेंट्री कर रहे हो, कभी आपने देखा? जैन साहब का परिवार था, वो घर मेरे नाम पे अलॉट हो गया, उनका उनका घर साफ सफाई में और दोबारा से ठीक करने में थोड़ा समय लगा, थोड़े समय वो रहे उस सरकारी घर में। आपने कभी देखा हो कि वहां पे इन्वेंट्री बन रही हो? ये पूरी तरीके से जो है कुल जुलूल और निम्न स्तर की राजनीति है और ये बहुत शर्मनाक है कि इस तरीके से एलजी दफ्तर द्वारा इन कामों के अंदर समय व्यर्थ किया जा रहा है। वो समय व्यर्थ कर रहे हैं, उनको दिल्ली के अंदर जो एलजी बनाया गया काम के लिए बनाया गया, थोड़ा पुलिस वुलिस देखो, गैंगस्टर्स को देखो, ये सब करो, किन कामों में लगे हुए एलजी साहब वो देखें। लेकिन सर अभी दोनों ही घरों में लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री बनी हुई है तो वहां भी बना लेते हैं, तो आतिशी के अभी बना लेते हैं। जी सर सवाल सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि सरकारी रिकॉर्ड में सारे कागजात हैं, लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री बनी हुई है, सिर्फ इस घर में नहीं हुआ है सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड में, वो आप लोग नहीं करने दे रहे। मैं आपको बता तो रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो कोई ना मानेंगे, जो हमने देखा है। आपने कभी देखा हो कि मनीष सिसोदिया जी के एवी 17 पे ताला लगा हो, दो दिन लगा हो? कि जी दो दिन ताला इसलिए लगा है क्योंकि हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर में दो दिन लगता है और वो लिस्ट ऑफ इन्वेंटरी बन रही है, कभी आपने सुना है? कभी आपने देखा है? कागजों में होता होगा, खाना पूर्ति होती होगी। या आपने देखा हो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मंत्री बन गया सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर पे ताला लगा दिया, उसका सड़क इंडिया, उसका जो सामान है वो इंडिया गेट पर रख दिया कि आगे दो दिन यहाँ रहेगा और फिर जो है वो मंत्री के घर के अंदर वो पहुंचेगा। ऐसा कभी देखा हो सुना हो तो आप भी बताओ मुझे, मैंने तो नहीं सुना ना मैंने देखा। ये बेफिजूल की बकवास जो है, इनसे बचना चाहिए एलजी कार्यालय। मैम आप ही के विभाग ने ताला लगा दिया आपके घर पे, एक प्रतिक्रिया तो आप दे दीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी इसलिए परेशान है क्योंकि वो आम आदमी पार्टी को चुनाव में हरा नहीं पाती, वो चुनाव लड़ते हैं, मुंह की खाते हैं, सिंगल डिजिट से ज़्यादा अपने विधायक नहीं बढ़ा पाते तो अपना मुख्यमंत्री नहीं ला पाते, उसके बाद उनका मुख्यमंत्री नहीं बनता, उनकी सरकार नहीं बनती तो वो ऑपरेशन लोटस शुरू करते हैं कि किसी तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बना लें, अपना मुख्यमंत्री बना लें। वो दिल्ली में वो भी नहीं कर पाए। फिर उन्होंने एक तीसरा पैंतरा अपनाया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल दो, विधायकों को जेल में डाल दो, पार्टी तोड़ दो, पार्टी खत्म कर दो कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाए। वो भी नहीं कर पाए तो अब वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाए, किसी तरह से मुख्यमंत्री आवास पर ही कब्जा कर लें। उनका बहुत बहुत स्वागत है, अगर भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा करके मन की शांति मिलती है तो उनका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के मंत्री मुख्यमंत्री आवास, बड़े बंगलों के लिए, बड़ी गाड़ियों के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। हम दिल्ली के लोगों के लिए काम करने आए हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी हम सड़क पर बैठकर भी दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे। ये सारे बंगले भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हों, हम दिल्ली वालों के दिल में रहते हैं। मुख्यमंत्री आतिशी और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और बीजेपी पर निशाना साधा गया है।